Hi guys, I am Pooja from JMD Classes. Welcome all. Here I am back with another video, and in this video we are going to start a poem, The Kite. This is the part of our second chapter of Honeysuckle. Guys, this is very amazing poem written by Harry Benn. So, firstly you tell me, have you ever flied a kite? क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कभी पतंग उड़ाई, और अगर नहीं उड़ाई तो आपने खुले आसमान में इन कलरफुल ब्राइट कलर काइट्स को उड़ते हुए ज़रूर देखा होगा। बच्चों से लेके बूढ़े तक हर उम्र के लोग पतंग उड़ाना पसंद करते हैं, है ना? और इन कलरफुल काइट्स के साथ पूरा स्काई कलरफुल हो जाता है, कितना ब्यूटीफुल सा सीन हो जाता है ना। तो देखते हैं यहाँ पोएट क्या कह रहे हैं। Introduction part. The poet has drawn a beautiful picture of the flying kite through words in this poem. यहाँ poets ने अपने words के द्वारा एक beautiful सी picture draw की है। किसकी? Flying kite की, एक उड़ती हुई kite. We all love to see flying kites, but never noticed how it flies. अब हम सभी को जो उड़ती हुई पतंगे हैं वो अच्छी लगती हैं, पर कभी किसी ने ये नोटिस नहीं करा कि वो कैसे उड़ती हैं। थ्रू दिस ब्यूटिफुल वर्ड पिक्चर ऑफ अ फ्लाइंग काइट द पोएट इज जस्ट परसुएडिंग द रीडर्स टू फ्लाई वन एंड नोटिस इट्स ब्यूटिफुल मूव्स। अब यहाँ पोएट्स ने एक ब्यूटिफुल सी पिक्चर जो कि फ्लाइंग काइट की शो की है, उसके द्वारा पोएट हमें राजी कर रहा है, परसुएड कर रहा है कि हम भी एक काइट उड़ाएं और नोटिस करें इसके ब्यूटिफुल मूव्स को। ओके, इन शॉर्ट वी कैन से कि पोएट ने अपने वर्ड्स में पूरी जान भर दी है, एक पूरा सीन क्रिएट कर दिया है जो हमारी आंखों के सामने आ रहा है कि कैसे काइट आसमान में उड़ती है, स्काई में उड़ती है, और ये कैसे पूरे स्काई को कलरफुल कर देती है। ओके, तो देखते हैं पोएम। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। अब देखिए हाउ ब्राइट, ब्राइट मीन्स कितनी चमकदार है, ठीक है, कितनी चमकदार है। ऑन द ब्लू, ब्लू मीन्स यहाँ पे कलर नहीं है, ब्लू मीन्स स्काई, कितनी ब्राइट है जब ये स्काई में होती है। इट इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, ये पतंग है, ये काइट है जब ये न्यू होती है, नई होती है। अब देखिए जब काइट नई होती है तो कितनी कलरफुल सी लगती है, है ना। हम उसे आसमान में स्काई में फ्लाई करते हैं तो कितनी प्यारी लगती है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल्स। अब डाइव एंड अ डिप क्या है, देखिए, टू गो इनटू वाटर विद अ फोर्स एंड सॉफ्टनेस टुगेदर। डाइव एंड अ डिप, जैसे एक गोताखोर पानी में जाता है और उसके बाद अपना सिर ऊपर की ओर उठाता है, डाइव एंड अ डिप, वैसे ही जो पतंग है वो हवा के साथ ऊपर की ओर जाती है, कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरह से गोते खाती है। इट स्नैप्स इट्स टेल, स्नैप्स क्या है, देखिए, क्रैकिंग साउंड, जैसे इसकी ये टेल है ना, जब ये गोते खाती है ऊपर नीचे जाती है तो इसके टेल में से एक साउंड सा होता है, फड़फड़ फड़फड़, इस तरह से साउंड सा होता है। ओके, आगे देखिए। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। अब देखिए देन सोर्स लाइक अ शिप, यहाँ पॉइंट ने कंपेरिजन किया है शिप और काइट का, कि जैसे शिप ऊपर की ओर जाती है ना, वैसे ही काइट ऊपर की ओर उड़ती है हवा के झोंके से। विद ओनली अ सेल, सेल क्या है, देखिए, सेल अ क्लोथ ऑन अ शिप और अ बोट यूज टू कैच विंड एंड हेल्प द बोट टू प्रोपल। अब देखिए ये शिप या बोट, यहाँ पे एक क्लोथ लगा होता है जो कि विंड की डायरेक्शन बताता है, इसे कैनवास भी बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे कि टाइड्स, टाइड्स मीन्स जो लहरें होती हैं, बड़ी सी लहरें जो आती हैं वो क्या करती हैं, शिप या बोट को ऊपर की ओर उठाती हैं, इस तरह से ऊपर की ओर उठती हैं, वैसे ही जब हवा चलती है तो हमारी काइट ऊपर की ओर उठती है। ओके, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स then seems to rest as wind falls, climbs, climbs means to go up, ऊपर की ओर उठना, to the crest, crest क्या है, देखिए, mountain top or a
टफ्ट ऑफ फेदर्स ऑन द हेड ऑफ अ बर्ड और एनिमल. माउंटेन टॉप मतलब बहुत ऊपर तक, जैसे कि माउंटेन पीक, वैसे ही हमारी जो काइट है वो ऊपर की ओर जाती है. कब? गस्ट के साथ. गस्ट मीन्स जो हवा का झोंका होता है, ऐसे लगता है ये उसको पुल कर रहा है, खींच रहा है. ठीक है, हवा के झोंके के साथ, जैसे हवा इसको खींच रही है, काइट क्या करती है, ऊपर तक जाती है, क्रेस्ट तक जाती है. और फिर देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और जब हवा रुक जाती है तो ऐसे लगता है हमारी काइट भी रेस्ट कर रही है, मतलब धीरे हो गई है, रुक गई है. आगे देखिए, व्हेन स्ट्रिंग गो स्लैक, और जब स्ट्रिंग क्या होता है, डोर, मांजा जिसे बोलते हो, गोज स्लैक, स्लैक मीन्स ढीला हो जाता है. कई बार होता है ना कि डोर ढीली सी हो जाती है, यू विंड इट बैक, तो आप क्या करते हो, इसे पीछे खींचते हो, डोर को खींचते हो. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और कब तक खींचते हो, कब तक भागते हो उस डोर के साथ, जब तक हवा नहीं चल पड़ती. एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और इसकी विंग जो है, विंग्स जो है वो हवा उसमें भर जाती है और ऊपर की ओर उठने लगती है. कहने का मीन्स है कि कई बार क्या होता है, जब हवा धीमी हो जाती है ना, तो काइट नीचे की ओर आने लगती है, और हम क्या करते हैं, उसकी डोर को खींचते हैं अपनी ओर और भागते हैं साथ में. ठीक है, और कब तक, जब तक हवा चलने नहीं लगती और इसमें पूरी हवा भर के काइट हमारी ऊपर तक नहीं जाने लगती. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट वेन इट्स न्यू. अ काइट लुक्स वेरी ब्राइट एंड ब्यूटिफुल ऑन अ क्लियर स्काई, बट अ रेगडर थिंग, रेगडर मीन्स टॉर्न और टैटर्ड, कटा फटा, यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, बट व्हेन इट्स गेट स्ट्रक ऑन अ ट्री टॉप, इट गेट्स टॉर्न एंड गिव्स अ पुअर वॉर्न आउट लुक विच इज नॉट लाइक्ड बाय एवरीवन. जब ये किसी ट्री टॉप में, इसका जो मांजा है, जो डोर है, वो ट्री टॉप में फंस जाता है, तो ये फ्लैप्स यानी कि फड़फड़ाने लगती है और कहीं ना कहीं से ये कट फट जाती है. तो ये जो रेगुलर थिंग है, ये आप कभी नहीं देखना चाहोगे. ओके, तो ये थी हमारी पोएम. होप यू ऑल अंडरस्टूड. अगर कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेरी है, सो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ओके, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन. अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स. लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम, फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. कुछ आपको एक्शन वर्ड्स दिए हुए हैं और कुछ आपने लिखने हैं यहाँ पे, और उनके मीन्स भी बताने हैं. डाइव एंड डिप, ऊपर और नीचे, जैसे गोते खाना. ठीक है, स्नैप्स, स्नैप्स क्या है, स्नैप्स मीन्स जो फड़फड़ की आवाज़ आती है उसके टेल में से, जब ये ऊपर नीचे गोते खाती है तो फड़फड़ की आवाज़ आती है, उसे स्नैप्स कहा जाता है. नेक्स्ट इज क्लाइंब, क्लाइंब मीन्स टू गो अप, ऊपर जाना, ऊपर उड़ना. आगे है ब्लोज, ब्लोज मीन्स टू हिट, जैसे हवा ब्लो करती है ना, विंड ब्लो करती है. नेक्स्ट सोर्स, सोर्स मीन्स टू फ्लाई, उड़ना. राइड्स, राइड्स मीन्स टू सिट ऑन द बैक ऑफ समथिंग एंड कंट्रोल इट्स मूवमेंट. इन शॉर्ट यू कैन से, जैसे ये अपनी डोर के साथ राइड करती है ना, विंड की हेल्प से, काइट. नेक्स्ट वन इज फॉल्स, फॉल्स मीन्स टू ड्रॉप डाउन, नीचे की तरफ आना. ओके, नेक्स्ट देखिए, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, then soars like a ship with only a sail. The movement of the tailless kite is compared to a ship with a sail. This is called a simile. अब यहाँ पे poet ने ship और kite को compare किया है, जिसे कि simile बोला गया है. Can you suggest what or who the following actions may be compared to? तो देखते हैं इनको किसके साथ compare किया जा सकता है. He runs like the विंड. ठीक है, द विंड. नेक्स्ट देखिए, ही ईट्स लाइक अ पिग. शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगल. इट शाइन्स लाइक अ स्टार. इट फ्लाइज लाइक अ बर्ड.
ओके आंसर्स देखते हैं. ही रन्स लाइक द विंड, ही ईट्स लाइक अ पिग, शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, इट शाइन्स लाइक अ स्टार, इट फ्लाइज लाइक अ बर्ड. तो ये थे हमारे आंसर्स. होप पूरा कंसेप्ट क्लियर है, पोएम क्लियर है, इसके जो एक्सरसाइज है वो क्लियर है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग. थैंक यू गाइज़.